सुन दासी मेरी बात जीजी, मति पल की देर न गई राजा बैठे गदी पे, तू उन्हें बुलाए के लिए जल्दी से चली जाओ और जा करके मेरे महाराज को बुला करके ले आओ। जल्दी जाओ बहन मेरी, मत पल की देर न गई, तुम्हें बुलावे महारानी, मेरे ठाकुर से कह दइए, इन महलन के बीच जी मेरी दो बातें करो भैये। जल्दी से चली जाओ जाकर के मेरे महाराज से कह देना कि तुम्हें महारानी ने याद किया है, महारानी को बुलाया है। जैसी दौड़ी दौड़ी गई दासी महाराज उत्तानपाद के सामने जाकर के हाथ जोड़ के बोली, महाराज महारानी ने आपको उसी समय याद किया है। आज महाराज उत्तानपाद कचहरियों को छोड़ करके जैसे ही चल करके आए, अपने पति को आता हुआ देखा मैया सुनीति ने, तब हुआ क्या? आवत देखो पिया मगन भोहिया, खुशी भई भारी, कहे हाथ पकड़ के ले गई, देखो प्राण प्यारी। अपने पति का हाथ पकड़ के महारानी सुनीति भवन की ओर लेकर के जाती है। कहा महाराज इतना अच्छा सुंदर सा चेहरा था आपका, आज कुछ कुमलाया हुआ कुछ मुरझाया हुआ दिखाई देता है, कोई बात कुछ गड़बड़ हुई महाराज? राजा बोले, काहे को तुम्हारी अकल खराब हो गई है, तुमने मुझे बुलाया, बताइए किस लिए बुलाया? अरे रानी मैंने तुमको इसलिए बुलाया क्योंकि मेरी बात एक समझ में नहीं आती, जादन से शादी है क्या आई तादन से, आज तक मेरी कोख से किसी बेटा बेटी ने जन्म नहीं लिया। आप मेरे कहने से एक काम कर दो, क्या महाराज आप दूसरी शादी कर लो, बड़ी महान कृपा होगी जिससे तुम्हारे वंश का नाम आगे के लिए चल जाएगा। बोले दूसरी शादी? तुम्हें मालूम है कि दूसरी जा घर में आवेगी तो तुम्हारी सौत होगी। कौन होगी? और सौत तो चूनों की बुरी होती है, जानते हो कैसे होती है? सौत चून की कैसे बुरी होती है पता होगा ना, माता बिना आपको तो सौत चून की इसलिए बुरी होती है, एक गांव में और एक पंडित जी की दो शादी हुई थी, दो शादी हुई ना, तो दोनों में आपस में झगड़ा हो तो एक चली गई बेचारी, लेकिन एक आदत और थी कि जब तक रोजाना लड़ना ले तब तक उनको खानो हजम नहीं होते, तब तक उनके पेट में खाना भी हजम नहीं होता था।
एक दिन एक चली गई अपने गांव, अब एक रह गई। हम बा को रोजाना लड़ाई लड़ते, लेकिन अब वो रही ना, तो वो लड़ाई की उड़क लगी। अब लड़ाई कैसे लड़ी जाए, रोटी कर रही बेचारी। सबने काकरों के चून की सोत बनाई और बाई में आंखें लगा दी, बाकी आंखें नाक कान सब बनाए, तो आंखें वाले में काय के लगा दी। नमक की कंकड़ी होती है उसकी, और जैसे वो लगाई, पहले तो खूब गारी देत रही, लड़त रही, सौत तूने ऐसो करता हो, सौत तूने बैसो करता हो, कि तू मच जा के तेरे पलवैया मच जा के जे आ जा के बो आ जा। एकदम जब जाते तो साई ने चून की सोती ला, सौत तो चूल्हे में ही अटकाए दे। जैसे चून की सोत चूल्हे में दई ना, आग जल रही थी, और तुम जानते हो कि नमक जब अग्नि में प्रवेश करेगा जाएगा, तो वो तो वही चटकेगो चटकेगो तो का होगा। और जैसे चटको ना नमक, सोई देवी जी के एक लंग को आंख बजार दो, यानी आंख फूट गई। तब से कहावत कही जाती है कि सोत तो चूनों की बुरी होती है। महाराज उत्तानपाद ने कहा हे सोत चून की बुरी, जहर की छुरी मान जा प्यारी, तुए आबत दे निकार करे तेरी ख्वारी, वो हमों को गाली दे चैन नाले मान जा दुलारी, बो तुए तास रयो समझाए मान जा प्यारी। इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूं कि दूसरी शादी मत करवाओ। आज रोने लगी भैया सुनीति महाराज, तुम तो अपना सारा समय कचहरियों में बैठ करके व्यतीत कर लेते हो, वो मेरी तरफ देखा है, मैं बिन बेटा क्या बताया भी है। अन्य बिहुना सब जग सुना महाराज, अन्य बिहुना सब जग सुना, बस्तर बन सुनी है काया, और राग कंठ बिन कविता सुनी, बेटा बिन सुनी है माया, राग कंठ बिन कविता सुनी, बेटा बिन सुनी है माया। सब जग सुना अनबिहुना सब जग सुना, वस्त्र बन सुनी है काया, राग कंठ बिन कविता सुनी, बेटा बिन सुनी है माया। बेटा बिन सुनी है माया, बेटा बिन सुनी है माया।
महाराज बेटा के बिना कितने तुम्हारो घर में कितनों धन दौलत माल खजानों मरोए, लेकिन एक बेटा के बिना सब कुछ बेकार सूना सूना है। महाराज ने की दूसरी शादी मत करवाओ, दूसरी शादी के बड़ो फदियतों बहुत बुरो होते है। एक ब्राह्मण देवता की जब दो शादी हुई थी, दोनों में आपस में जब झगड़ा होता था तो ब्राह्मण देवता ने क्या किया कि बंटवारा कर दिया, और जब बंटवारा कर दिया तो बंटवारा करने के बाद में एक तो ऊपर वाली मंजिल पे रहे और एक नीचे रहे। तो एक दिन पंडित जी नीचे रहे, एक दिन ऊपर रहे। एक दिन कहां भयो खाने को भोजन तो निमंत्रण जो है तो वो नीचे वारी गए, और ऊपर वाली ने कहा करो खीर पूरी पुआ ये सब बनाए ना पंडित जी, अपनी ऑफिस से अपने काम करके जैसे लौटे। सो ऊपर वाली ने इशारा करो कि महाराज आ जाओ आप, तो मैंने खीर पूरी पुआ बनाए। पंडित जी ने देखी लाओ अबे तब है ना लाओ, तब तक कहा कि पूरी पूरी खाया तो मालूम है कैसे गए ऊपर जैसे चढ़े, बताया भी है। अरे द्वे नारी के बड़े फदियत गुरुदेव, अरे द्वे नारी के बड़े फदियत, और कोई मत करियो द्वे नारी, द्वे नारी के बड़े फदियत, कोई मत करियो द्वे नारी। द्वे नारी के बड़े फदियते कैसे कैसे, द्वे नारी के बड़े फदियते कोई मत करियो द्वे नारी क्यों। अरे ऑफिस से जब साहब आए, ऑफिस से जब साहब आए तेरी रही ऊपर बारी, ऑफिस से जब साहब आए तेरे रही ऊपर बारी। जय हो ऑफिस से जब साहब आए तेरे रही ऊपर वारी, तब ऑफिस से जब साहब आए तेरे रही ऊपर वारी क्यों। नीचे वाली ने देखो ना, और पंडित जी का कहने लगे लगा न सेनी ऊपर चढ़े रहे, जब ऊपर को चढ़ने लगे अरे लगा न सेनी ऊपर चढ़े रहे खेच रही नीचे बारी, लगान से भी ऊपर चढ़ गए ताली बजाते हुए दोनों हाथों से बारी।
देखो ऊंचे हाथ उठा के जब ताली बजाते हैं ना, ब्लड प्रेशर जिनको हाई लो होता है ना, बिल्कुल सम रहेगा, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि जिनके ऊंचे होंगे हाथ ठाकुर जी उन्हीं के होंगे साथ, तो मीठी मीठी ताली बजाती है दोनों हाथों से, जय हो। बताया भैया सभी बैठ जाओ, बैठ जाओ सभी, और दोनों हाथों से ताली बजाएं। हाँ, और कली देखो, कल से आप देखोगे। अरे ऑफिस से जब साहब आए और वो खेच रही नीचे बारी, क्यों नीचे बारी वाले में क्या बोली, अरे वो तो तेरी बहू लगते, वो तो तेरी बहू लगती है, मैं का तेरी महतारी, वो तो तेरी बहू लगती है, मैं का तेरी महतारी। गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। अरे ऐसो राजा हाई मर जावे बूढ़े, जो जुलम प्रजा पे तोले, और चुगिल घोर बे मानो मरे जो अमृत में किस घोले, अरे अमृत में किस घोले बाबरे, अमृत में किस घोले, चुगिल घोर बे मानो मरे जो अमृत में किस घोले। शुक्ल घोर बेईमान मरे जो अमृत में विष, और बताया अरे ऐसा पिता मरे जग में जो धन बेटी का खाता है, ऐसा पिता मरे जग में जो धन बेटी का खाता है, अरे ऐसो महात्मा मर जावे जो घर पे श्या के जाता है, ऐसो महात्मा मर जावे जो घर पे श्या के जाता है, अरे ऐसो बनिया है मर जावे, अरे ऐसो बनिया है मर जावे
चोकर से कमती तोले और चुगल खोर भई मान मरे जो अमृत में बैसा गोरे ऐसी त्रिया मर जावे पर पति संग ने लगाती है ऐसी त्रिया मर जावे पर पति संग ने लगाती है ऐसी बिटिया मर जावे जो फूल को ताक लगाती है ऐसी बिटिया मर जावे जो फूल को ताक लगाती है अरे ऐसो लड़का है मर जावे जो गली गली में टोले चुगिल खोर गई मान मरे जो अमृत में पैसा खोले अरे ऐसो सिमरे जग में जो पुरखा नाम डुबाता है ऐसो सिमरे जग में जो पुरखा नाम डुबाता है ऐसो गुरु मरे जग में जो शिष्य से ज्ञान छिपाता है ऐसो गुरु मरे जग में जो शिष्य से ज्ञान छुपाता है और ऐसो मित्र मरे जग में जो भेद मित्र को खोले चुगिल खोर भई मान मरे जो अमृत में पैसा खोले बोलिए गोविंद भगवान की। आज राजा ने कहा मैं ऐसा वैसा कोई राजा नहीं, मेरे राज्य में प्रजा बड़ी सुख और शांति के साथ रहती है। शेर बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं और बार बार समझाया रानी को लेकिन एक भी बात नहीं मानी तो महाराज उत्पन्न पात दूसरा विवाह दूसरी शादी करके लाए एक सुरची नाम की स्त्री के साथ। सुरची सुरची किसे कहते हैं? देखिए सुरची कहते हैं जो अपने में रुचि रखने वाली हो, जो अपने में रुचि रखने वाली हो उसे कहते हैं सुरची। अपना सब कुछ अच्छा लगता हूं दूसरा तो सब बेकार। लेकिन सुरची के साथ में शादी करके लाए हैं। सुनीति ने क्या किया? डोला जैसे ही अयोध्या में आया मैया सुनीति संत की सहेलियों को लेकर के जाती है। जाकर के डोला से बाहर उतारती है। डोला से जैसे बाहर उतारती है ना उसी समय सुरची बाहर उतरी और बोली महाराज से, महाराज ये कौन है? महाराज ने कहा ये हमारी बड़ी रानी सुनीति है। सुनीति ये तुम्हारी बड़ी रानी है? बोले हाँ। इतने में मेरे को पारो गरम है
जब तुम्हारी बड़ी रानी सुनीति है तो मेरे साथ शादी करके क्यों, मेरे साथ शादी क्यों की, मुझे क्यों लेकर के आए? आज सुनीति की तरफ देख करके महाराज बोले क्या करें, बोले क्या करें। आज सुनीति बोली हाथ जोड़ करके, बहन कोई बात नहीं, तुम घर में चलो। बोले घर में नहीं जाऊंगी महाराज, एक बात बता दो, या तो इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी, दो में से केवल एक, नहीं तो मेरे डोला को तुरंत मेरे पिता के यहाँ वापस पहुंचा दो। आज महाराज की आंखों में आंसू, मैया सुनीति की आंखों में आंसू, केवल इतनी बड़ी तपस्या, इतना बड़ा त्याग, इतना सब कुछ झेला मैया सुनीति ने, दूसरी शादी कराई क्यों? केवल एक बेटे की खातिर, एक बेटे की खातिर इतना बड़ा त्याग कराया। मैया की आंखों में आंसू चल रहे, रो रही मैया, महाराज की आंखों से भी आंसू, लेकिन वो सुरुचि अपने में रुचि रखने वाली, आज वो सुरुचि समझाने से नहीं मानती है। मैया सुनीति विचार करती है, भटकती बन बन डोली, एक बेटा के लिए भरी खातिर, इतने बड़े बड़े कष्ट सहे हैं, फिर भी परमात्मा ने एक बेटा तक नहीं दिया। मैया की आंखों से आंसू चल रहे, हाथ जोड़कर कहा, बहन आप चलिए, आप चलिए। बोले नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगी महाराज, मैं जाऊंगी जब ये इन महलों में नहीं रहेगी, ये इन महलों में नहीं रहेगी। कहां रहेगी? बोली है, रहेगी कहां? बोले महाराज ये घर से बाहर रहेगी। सुनीति ने कहा, बहन अगर ऐसी बात है तो मैं घर छोड़ के भी जाने के लिए तैयार हूँ, कैसे जब वंश को नाम आगे के लिए चले। ऐसी ऐसी शक्ति, ऐसी ऐसी पतिव्रताएं हमारे इस धरती पे हो गई। आज बोली है मैया सुनीति अपनी छोटी बहन से,